गाइस व्यू देखो यार यहाँ से, क्या व्यू है भाई, हैं सुंदर है ना गाइस, व्यू देखो भाई, मजे ही आ गए यार, मजे ही मजे भाई, मजे ही मजे। देखो भाई व्यू देखो, अरे वाह यार, व्हाट द फक, बर्फ दिख गई गाइस, व्हाट द फक, और अपने लौंडे भी मिल गए। रोड ऐसी हो कि फट जाए। अरे 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 अरे, आराम से चलाओ, पैर वैर लगा के चलाओ एकदम अच्छे से। तो ये हमने बाइक वाला मैप लगा लिया था, तो अगर आप लोग आए तो कार वाला मैप लगा के आना। पता नहीं हम लोग ने बाइक वाला लगाया इसलिए मैं भी ऐसा रास्ता दिखा रहा हूँ, ये शायद गिर गए हैं, शायद गिर गए हैं। शिवम गिरा है क्या? अगल बगल बर्फ ही बर्फ है, तो बस मैं यही बना रहा हूँ कि रोड पे बर्फ ना हो वरना बहुत गंदा रपटेंगे हम लोग। Welcome back to my new vlog. तो आज हमारे ट्रिप का दूसरा डे, यहीं पे कल मैंने व्लॉग एंड भी किया था और यहीं से शुरू भी कर रहा हूँ। सामने व्यू देखो भाई, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। रात को पूरा लाइट वाइट जल रही थी तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था यार, ये मज़ा आ गया था यहाँ पे। रात को बैठे हुए तो हम लोग गाने सुन रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अभी प्लान है, सब रेडी हो गया एकदम, अब बैग वैग सब रेडी हो गया, अब नीचे जाएंगे, बाइक वहीं पार्किंग में, लगी पार्किंग है मतलब रोड में ही पार्किंग है यहाँ पे, तो बाइक उठाएंगे, बैग वैग देखते हैं थोड़ा बांधे बांधेंगे और फिर निकलते हैं यार। टाइम हो रहा है अभी सुबह 8:30 बजने वाला है, प्लान था कि 8 बजे तक निकलेंगे, बट ठीक है इतना चलता है, आधा घंटा तो लेट चलता ही रहता है, तो 8:30 बज रहा है, जल्दी से निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाइक पे। एक बार और व्यू के मज़े ले लो भाई, ये देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है भाई। निकल गए रूम से, सब लोगों को आगे जा रहे हैं और कुछ ऐसे पीछे गली में रूम था हमारा, आगे बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो गाइस अपनी बाइक में तो बंद गया है दोनों बैग, मेरा है शांत का और इनकी बाइक में नहीं हो रहा है, एक रेजिस्टेंस बैंड था हम लोगों के पास, हम लोग लाना भूल गए बंजी कॉर्ड, बोला था मैंने इन लोगों को, लेकिन क्या कर सकते हैं। और आगे एक बंधवा रहे हैं, ये देखो भाई रस्सी काट लो भाई, इतनी लंबी रस्सी क्या करोगे, दोनों एक साथ बांध ली। सो गाइस फाइनली हो गया है सबका बैग बांधना बांधना, अब निकलते हैं। ये हेलमेट पकड़ लो भाई, नस चढ़ गई, हो रही सही हो रही। चलो गाइस बाइक स्टार्ट कर ली है, नस चढ़ गई भाई, देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। बैठो भाई किसी तरह, किसी तरह फिट हो जाओ बस, क्या चले क्या हुआ वाला बैग जो है ना, हाँ। तो पूरा अभी देखते हैं, चाय पीने रुकेंगे तो थोड़ा उसको ढीला करेंगे। सो गाइस स्टार्ट हो गई है, हाँ भाई किधर जाना है बे, अच्छा यू टर्न लिए लो ना भाई, बढ़िया चल रही है, ये मस्त चल रही है भाई, नई वाली भी, वो उत्कर्ष वाली तो अच्छी है भाई, बाइक नई नई बाइक होती है हाथ सेट होने में टाइम लगता है, अपनी बाइक होती तो अभी साए साए निकाल देते। अरे बोनट पूरा साए साए निकाल देते। गाइस पेट्रोल भरा लेते हैं, अब कल 250 का भराया था रात को, तो ₹94/liter 96 अपने साइड है। चलो भाई पेट्रोल भरा लिया है, अब मस्त चलेंगे, बीच में कुछ खाने के लिए रुकना है अभी हम लोगों को, और फिर देखते हैं। दो लोग हमारे आगे निकल गए हैं, पता नहीं खो गए हैं। वो लोग कितना आगे चले गए हैं, मुझे वही तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है भाई, वहीं से नीचे आए हैं। नीचे मेरे ख्याल से जाना नहीं होगा, जाना क्योंकि इधर ही हम, इधर ही से तो ऊपर गए थे। अच्छा ऊपर है,
ये है तो क्या बोल रहा है यार। खाना है क्या इधर? देखिए शिवम भाई एकदम प्रो बाइकर बन के ये क्या बोलते हैं इसको, नी गार्ड और वो सब। हाँ भाई चलो चलो, और भी कुछ खा सकते हैं। देखो भाई मैगी मैगी करवा दो। मैगी क्यों खाओगे भाई, मैगी पहाड़ पे खा लेते ना चल के। डांटता रहता शिवम। शिवम भाई टीएल अब सनी पानी लेगा। खाएंगे भाई इसीलिए तो रुके। चलो भाई गाने बज गए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वही आ गई हम लोग की चाय, यहाँ भी कुल्लड़ में चाय मिली हमको लखनवी अंदाज में एकदम। और कौन से पराठे किए भाई? आलू पराठे। और मंगाए हमने आलू पराठे और चाय। सो गाइस खाना वाना खाना क्या मतलब पराठे खा लिए एक एक, ज़्यादा ज़्यादा खाना भी सही नहीं भाई बाइक राइड करना है तो। बैठ जाओ। हाँ तो यहाँ पे खाया था हम लोगों ने प्योर वेज हाईवे ढाबा नाम है इसका। तो आप शिमला की तरफ ऊपर आ रहे होगे तो ये ढाबा आपको दिख जाएगा। और पराठे और चाय बहुत सही थी भाई, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग। चले अबे यार ग्लव्स गिर गया माँ। पीछे देखो दिख रहा है, ज्यादा पीछे है क्या? अरे यार ये बहुत ज्यादा दिक्कत है यार, ज्यादा पीछे गिर गया मेरे को लग रहा है। चलो थोड़ी एक्साइज हो जाएगी भाई शाम की। पहन ही लेता हूँ भाई, मैंने यहाँ रखा, पहनना था यहाँ टैंक पे रखा था लेकिन भूल गया फिर मैं पहनना। तो भाई ये देख रहे हो टंकी में से ऑयल बाहर आ रहा है, मतलब टंकी बंद है तब भी बाहर आ रहा है, ये चाबी के होल से। ये देखो बुलबुले निकल रहे हैं, ये एक इशू है भाई, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर। क्या हुआ भाई रनिंग हो गई? इसमें देख रहे हो ऑयल निकल रहा है पेट्रोल, ज़्यादा ऊपर तक भर गई, ज़्यादा एकदम ऊपर तक तो नहीं भरा था मैंने, भरवाया नहीं था, नीचे तक ही भराया था। इसका वीडियो बना लो। हाँ चलो भाई अब चलते हैं, वो लोग निकल गए होंगे आगे ग्लव्स के चक्कर में, रुकना पड़ गया। वो तो अच्छा हुआ मेरे पैर में कुछ लगा, तो मुझे लगा यार कुछ तो उड़ा है, फिर ध्यान दिया कि ग्लव्स रखे थे यार इधर, टाइम पे याद आ गया वरना नुकसान हो जाता भाई। चांग पीछे मैप देख रहा है और चलो 50 किलोमीटर की देते हैं, 149 है। तो अभी तक तो हम लोग शिमला में ही है भाई, निकल गए थे हम लोग मतलब रूम से, रूम छोड़ दिया था हमने 7:30 बजे शायद, और 7:30 या 8:30 याद नहीं है, बट अभी अराउंड 10 बज गया है। तो भाई ऐसे ही लेट हो जाता है यार, बैग बांधने में हम लोग को 1 घंटा लग गया अराउंड, सबसे ज़्यादा टाइम तो बैग बांधने में लग गया हम लोगों को, और उसमें भी बैग अभी बीच बीच में देखना भी पड़ता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या स्ट्रगल होता है भाई, क्योंकि हम लोग प्रॉपर ये लोग लेते नहीं है, मेरे पास तो बंजी कॉर्ड है, बट अगली बार से ध्यान रखेंगे भाई प्रॉपर एक लेके चलेंगे 5-6 बंजी कॉर्ड, और कोई हम लोग प्रोफेशनल राइडर्स। ओहो व्यू, और पीछे गाना बज गया है देखते हैं। तो भाई आ गए हैं, अब जंगल टाइप का है कुछ, ये देखो पेड़ ही पेड़ मस्त। तो ये तो पहली ट्रिप है मेरी, मतलब ब्लॉग कर रहा हूँ, और हिमाचल या उत्तराखंड में भी मैंने ब्लॉग नहीं किया आज तक, हिमाचल में भी पहली बार कर रहा हूँ ब्लॉग, में मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो पहला ब्लॉग आएगा मेरा हिमाचल का।
ये देखो भाई, ये है शिमला सिटी। पीछे गाने बज रहे भाई, आई होप आ ना रहा हो गाने। जब मैं बोल रहा हूँ तब तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वॉइस कैंसिलेशन हो जाता है माइक में, क्योंकि मेरी वॉइस डोमिनेट कर जाएगी। वैली पूरी दिख रही है। पूरी शिमला वैली यही है, हाई ब्यूटी जो दिखती है। हम लोग एंटर कर गए शिमला वैली में, मस्त पूरी सिटी दिख रही भाई, पूरी वैली दिख रही। सीधे चलना है कहाँ चलना है? अबे जाना कहाँ है? सीधे नहीं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, सॉरी साले सुन ही नहीं रहे हो। 3-4 बार चिल्ला दिया। तो यहाँ से टनल होते हुए जा रहे हैं हम, क्रॉस कर रहे हैं। सारा व्यू ब्लॉक कर रही है भाई ये बस, इतनी देर से आगे चल रही है। इसको ओवरटेक करना पड़ेगा भाई। हाँ यार देखो, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है साइड में, आगे से व्यू ही नहीं आ रहा है। ये देखिए गाइस, मस्त व्यू देखिए, व्यू ही देखने तो आए। अरे भाई ये बहुत बेकार चला रहा है बस वाला सही में। निकाल लिया भाई आगे, अब इसके भी आगे निकालना है तो रुक जाएगी। चलो आहा, चलो भैया निकल गए बस के आगे। ओ मन्नू मैं तो गया। सो गाइस ये देखो भाई क्या व्यू है। अभी तो आगे और अच्छे अच्छे व्यू आएंगे भाई, कहीं पे भी जीबी नहीं लिखा हुआ है भाई। देखो बाइक के फायदे, कल भी फायदे उठाए हमने और हम आज भी फायदे उठाएंगे। तो ये है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज है ये। तो भाई ऐसी जगह पे कॉलेज जिसका हो उसको तो मजे ही मजे हैं भाई, मजे ही मजे। देख रहे हो भाई लैंडस्लाइड हो रखा है इधर। ओहो गाइस अब दिख रहा है व्यू हम लोगों को सामने, वाह सामने ही दिख रहा है, अब मजा ही आ गया भाई। ये देखो भाई क्या बात है, हमको आगे भी देखना है, हम व्यू ही नहीं देख सकते बस, पर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। फौजी ढाबा। वाह यार, मतलब टाइम बाद में आया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई मेरे को, तो मज़ा ही आ रहा है देख के ये घर पहाड़ और चीड़ के पेड़। हमारे उत्तराखंड में भी चीड़ के पेड़ होते हैं, वैसे बहुत जगह होते हैं बट मैंने तो उत्तराखंड में बहुत देखे तो पहाड़ों में। तो गाइस शिमला से एग्जिट ले रहे हैं हम लोग, ऊपर चलना है। शिमला खत्म हो गया, अब चढ़ रहे हैं ऊपर जीबी के लिए। शिमला लिखा हुआ है शिमला। यहाँ से जाएंगे तो एंट्री दिखाएगा। और ठंडी बढ़ने लग गई भाई, मतलब सही में काफ़ी ठंडी हो रही है अब। ये देखो भाई आ गए जंगलों में एकदम, क्या ही व्यू है भाई। मतलब मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता ही रहता हूँ, मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, पेड़ और मतलब पेड़ ही पेड़ हूँ अगल बगल। गाइस व्यू देखो यार यहाँ से, क्या व्यू है भाई, हैं सुंदर है ना। कभी वो लोग चले गए भाई, वो लोग पीछे हैं हमारे, पीछे हैं। तो
देखो भाई इधर तो जाम लगा हुआ है यार, लेकिन इधर व्यू देखो भाई कितना सेक्सी व्यू है भाई। सब फोटो खिंचा रहे हैं बट हम लोग लेट हो रहा है, हम लोग आगे निकल गए शायद, सिर्फ हम लोग बाकी लोग तो रुकने का सोच नहीं रहे, आगे और भी पॉइंट्स मिलेंगे हमको तो देखते हैं। क्राउड भी अच्छा है हाँ और क्राउड बहुत अच्छा है यहाँ पे। ट्रक को ओवरटेक करते करते पहुँच जाएंगे लग रहा है हम लोग, ट्रक पे ट्रक आ रही है। 15 किलोमीटर डाउन है हम लोग। यू देखो भाई पीछे है ना, वही तो बदबू आ रही है ना, इससे आ रही लग रहा है। बहुत गंदी बदबू आ रही भाई, धुएं के साथ बदबू फ्री। तो भाई जब लोग छोटे छोटे बचपन में थे तब घर वालों के मम्मी लोगों के संग आते थे गाँव, तो लगता था यार कैसे। हाँ ऐसे होते हैं सीधा सीधा। हाँ तो हाँ मैं बोल रहा था बचपन में हम लोग आते थे मम्मी पापा के साथ, तो सोचते थे भाई यार कैसे चलाते होंगे ये लोग, और मतलब उस टाइम का अलग एक्साइटमेंट होता था, थोड़ा डर भी रहता था। लेकिन अभी देखो भाई मतलब कभी सोचा नहीं होगा कि भाई खुद बाइक राइड करके हम लोग कभी ऐसे पहाड़ों में जा पाएंगे। तो और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है भाई, तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, मतलब हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है भाई। ये देखिए अरे भाई पूरा हिमालयस दिख रहा है गाइस, पहाड़ और हिमालयस पूरा। तो ऐसे ही आप लोग भी कोशिश करते रहिए, ऐसे गाड़ियाँ मत चलाइए, और कोशिश करिए कि आराम से सेफली गाड़ी चलाएं और कुछ ना कुछ ट्राई करें। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा बट कर लिया भाई, तो हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है। मुझे नहीं पता कि कुछ अच्छा होगा व्लॉगिंग में कि नहीं बट आई एंजॉय इट, तो मैंने चालू कर दिया भाई। तो आप लोग को भी कुछ अच्छा लगता हो तो ट्राई ज़रूर करिए, हो सकता है आपका शौक हो छोटा मोटा, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत डाल देना स्टार्टिंग में, बट हाँ उस दिन ट्राई करके देखना। अगर आपको लगता है कि वाह भाई मज़ा आ रहा है इसमें, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। नो मैटर कि आप बहुत फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएँ, मतलब मैं तो अपनी ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको मज़ा आना चाहिए इस चीज़ में। मुझे बड़ा मज़ा आता भाई वीडियोस बनाने में, थोड़ा बहुत नर्वस भी होता हूँ बट, और क्या ही व्यू है भाई, मज़े आ रहे मज़े। ये देखो भाई क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। तो भाई नारकंडा बचा है 48 किलोमीटर, नारकंडा में हम लोग को स्टॉप लेना है क्योंकि सुना है हमने वहाँ पे बर्फ देखने को मिल सकती है, तो 48 किलोमीटर अभी राइड करनी है हमको। और मन तो कर रहा भाई कि रुक के आप लोगों को दिखाएं फ़ोन से वीडियो बना के, बट इसमें जूम नहीं होता ना भाई, तो जूम करके आपको दिखाते वीडियो। और को इधर ऐसे व्यू वाली जगह ही रेडिसन खुलेगा, ऐसा व्यू मिलेगा भाई तो लोग देंगे ही 50,000 रुपये पर डे का। इधर एक वीडियो बना लेते रुको, यहाँ से हमको पूरा हिमालयस का व्यू आ रहा है, और ये रहा हिमालयस। यहाँ हम लोग खड़े हैं अपनी बाइक, क्या ही बात है यार मज़ा आ गया भाई ये व्यू देख के। गाइस रुक ही गया मैं, अभी उतर गया इधर, पीछे व्यू देखो यार क्या बढ़िया व्यू आ रहा है पीछे, पीछे से शांक है, हम दोनों साथ ही में चल रहे हैं, वो लोग पता नहीं आगे हैं कि पीछे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पीछे ही होंगे ऐसे। व्यू देखो भाई। तो गाइस ये फ्लैग मेरे को मिला था गिफ्ट में, तो अभी इसको बाइक में लगाते हैं, अपनी बाइक पे है नहीं,
ऐसे यूजुअली पहाड़ों में लगा ही लेते हैं, तो ये गिफ्ट में मिला था तो मैं लगा लेता हूँ, बाद में निकाल लूँगा भाई क्योंकि गिफ्ट मिला है तो बाइक में छोड़ नहीं सकते, तो लगाते हैं चलो। फ्लैग ये देखो अब लग रही है सेक्सी बाइक, क्या बढ़िया लग रही है भाई फ्लैग के साथ। यहाँ से व्यू देखो, वाह भाई ये आ रही बढ़िया व्यू, इधर से एक फ़ोटो ले लेता हूँ मस्त। सो गाइस अब आएगा बढ़िया व्यू फ्लैग के साथ, चलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर रुक गए हैं, बाकी लोग काफ़ी आगे पहुँच गए होंगे। ठंडी बढ़ रही है, जितना जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ रही है, और मैंने तो इनर पहनी हुई है, नीचे भी मतलब पजामास भी पहने हैं और पजामा और अंदर भी पहना है मैंने ऊपर, मतलब तब भी सारा ठंडी लग रही है, लग रहा है एक और लेयर करनी पड़ेगी, नीचे तो नहीं कर सकते भाई, पजामे के ऊपर क्या ही डाल लेंगे, जीन्स भी इतनी ढीली ढीली नहीं है अपने पास, तो देखते हैं भाई। हिमालयन का ये सही है भाई, इसमें गियर्स दिखा देता कौन से गियर पे चल रहे हो, कौन से गियर पे शिफ्ट करने पे, अपना क्लासिक में नहीं दिखाता है तो उसमें चेक करना पड़ता है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे तो आदत पड़ गई है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसमें सही रहता है भाई, मस्त गियर भी दिखाता रहता है और भी चीज़ें हैं इसमें, मैं अच्छे से अभी देखा नहीं है हिमालयन का, ये RPM भी दिखा रहा है जितना मुझे दिख रहा है अभी, और अब फ्लैग आ गया है तो थोड़ा बहुत फ्लैग लगा दिया है तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन माता का मंदिर है, जय माता दी। गाइस व्यू देखो भाई, मजे ही आ गए यार, मजे भाई, मजे। देखो भाई व्यू देखो, ऊपर पूरा हिमालयस दिख रहा है और पहाड़ पूरे, ये पहाड़ देखने को तो तरस गया था भाई मैं। कितना बज गया, किधर जाना है, लेफ्ट तो गाइस पू है यहाँ से 250 किलोमीटर। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तनहर बदली चली जाती है चूने, कभी कोई बदली कभी कहीं कर दे दन गीला, ये है बिना हो
किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से नाम एक से लोग एक से नाम एक हो। भाई पिलियन होने का यही फायदा होता है, पीछे स्पीकर में आप गाने लगा सकते हो, और या तो अगर आप अकेले हो तो भी हेलमेट पे आप इंटरकॉम या फिर ब्लूटूथ लगवा के आप गाने सुन सकते हो अगर आपके पास उतना बजट है तो। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो ईयरफोन बिल्कुल मत लगाना या हेडफोन के हेलमेट के अंदर, हाईली नॉट रिकमेंडेड। और मज़े आते हैं भाई, देखो पिलियन से बातें करते रहो या फिर गाने स्पीकर पे सुनते रहो। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी, और गोप्रो में ये देखो क्या हो रहा है भाई, इस तरह से ये फ्रीज हो जा रहा है पूरा, देख लो ग्रीन लाइन आ रही नीचे और ऊपर भी, तो ये फ्रीज हो जा रहा है भाई ऐसे। किसी को बताओ भाई सोल्यूशन तो बताना यार इसका। देखो चल लिए हैं अब, पता नहीं क्या हो गया था यार, मेरा गोप्रो बीच बीच में अटक रहा है बहुत ज़्यादा। चल जाए भाई चल जाए, बस इसको बनवाना पड़ेगा लग रहा है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ बनता है, इंडिया में तो कोई सर्विस सेंटर है नहीं कहीं। क्या है लोग, हम लोगों से अभी 3-4 किलोमीटर आगे हैं, अभी थोड़ा और आगे निकल गए होंगे क्योंकि हम लोग रुक गए बीच में, और लाइव लोकेशन जो हम लोग शेयर कर लेते हैं ऐसे ही क्योंकि आगे पीछे हो ही जाते हैं भाई ग्रुप में, तो इसलिए लाइव लोकेशन शेयर कर लो और पता रहता है भाई कौन कहाँ पे है, तो ये बेस्ट रहता है इस केस में। हल्की हल्की स्नो पड़ी है। नारकंडा में बोल रहा था ना स्नो मिलेगी, वो नारकंडा पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। नारकंडा हाँ 60 किलोमीटर हो गया। हाँ मतलब 8-9 किलोमीटर बचा होगा, नारकंडा बचा है, नारकंडा आ गया है। देखो अभी एक होटल नारकंडा पड़ा, वही तो बताएंगे ना। तो गाइस पहुंच गए हैं नारकंडा बस स्टैंड शायद, अब यहाँ पे देखते हैं वो लोग रुके तो होंगे नारकंडा में, बोला तो था कि स्टॉप लेंगे बट हो सकता है आगे भी लिया हो, कोई भरोसा नहीं है, तो अभी देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई ये, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ से यार। ये बस स्टैंड है इसके आगे, यही तो है। बर्फ दिख गई गाइस, और अपने लौंडे भी मिल गए हमको। भाई नीचे तो क्या होंगे भाई इतनी बर्फ, क्या लग, अगर व्यू चाहिए तो उधर देखो भाई, यहाँ पे दिख रही है हमको बर्फ ही बर्फ। रिप बंद हो जा भाई, मजा आया भाई, मजा तो आएगा ही। पहली बार तुम मोटर नहीं देखा कर चुके हो भाई? अच्छा तो झरने वाले हो, और ये देखो ऊपर स्नोफॉल तो नहीं होगी बट स्नो मिल जाएगी ऐसे पड़ी हुई सुंदर सुंदर सी। चलते हैं भाई आगे अब, मुझे तो हेलमेट लेके जाना पड़ेगा भाई, गोप्रो लगा हुआ है इसे छोड़ नहीं सकता मैं। जा गए अब यहाँ पे, ये देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है, ये देखो ऊपर तक, सब मजे ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। नारकंडा है पहुँच गए हम लोग, नीचे बताया था भैया ने कि नारकंडा में बर्फ मिलेगी जो कि मिली हमको, और बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है भाई मजे। तो गाइस बर्फ तो इधर की बहुत ज़्यादा कड़ी है, देखो टूटी नहीं रही है, बहुत पुरानी हो गई है, ब्लैक आइस टाइप की बन गई है, लग गई क्या भाई, कड़क थी ना आते हैं आगे थोड़ा नारकंडा घूमते हैं थोड़ी देर, अभी 1 बज रहा है तो 2-3 बजे तक हम लोग इधर हैं नारकंडा में, फिर निकलेंगे यहाँ से। ठंडा बढ़ गया भाई, 4-5 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर अभी, और ये वाले मेरे जो ग्लव्स हैं वो समर वाले ग्लव्स हैं, तो इसलिए इसमें वो नहीं हो रहा इतना
मतलब ठंडी रुक नहीं रही है, ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन दूसरे ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, जो विंटर नॉर्मल ग्लव्स हैं वो राइडिंग ग्लव्स नहीं है। अभी पता किया जा रहा है कहाँ क्या घूमना है क्या नहीं घूमना है। कहाँ चलना है? अगर बाइक स्लिप हो सकती है, थोड़ा सा गीला है ये, तो आराम आराम से चलाना है। प्रत्युष लोग की बाइक लग रही है मस्त भाई, देख रहे हो बैग मैच कर रहे एकदम ना, दोनों बैग ऐसे लग रहा है सैडल बैग लगा रखे हैं। हमारा देखो बाहर तौलिया लटक रहा है एक जगह लटक रहा है तौलिया वालिया लटका के ले जा रहे हैं। कच्चे उच्चे टांग के चलो, थोड़ा ओपन में हो, जो कोने में बनाओ, पीछे ही था जो था। क्या करना है क्या करना भाई, अबे मुझे गाइस क्या व्यू है भाई, सामने देखो यार पहाड़ एकदम हिमालय दिख रहा है। गोप्रो मेरा चल नहीं रहा है, 10-10 मिनट में बंद हो रहा है सेकंड में, इसलिए 10-10 सेकंड की वीडियो बना रहा हूँ मैं। अटक जा रहा है बीच बीच में, पता नहीं क्यों अटक रहा है साला। मजे ही मजे है भाई, मजे ही मजे। क्या करना है इधर आओ, दूर दूर तक कुछ नहीं। अब कहाँ आ रहे हो बे, आगे बढ़ो थोड़ा, बैग लड़ रहा है। इधर रुकते हैं थोड़ा खाने पीने के लिए, चलो भाई। मोमोज भी आ गए, मैगी भी आ गई, एक खत्म हो चुका है मोमोज। और बाइक निकल गए यहाँ से अभी, और मैं पीछे बैठ गया हूँ, चार चला रहा है बाइक, थोड़ी देर पीछे बैठेंगे, देखते हैं आगे रुकेंगे तो फिर मैं चला हूँ। चलते हैं तो डिस्क ब्रेक का इशू हो गया, क्योंकि होता ही है भाई हिमालय में ब्रेक एक फेल हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए तो वेट कर रहे हैं हम लोग का आ जाएं। बहुत ज़्यादा स्टीप रास्ता था, बहुत ही ज़्यादा, बाइक वाला मैप लगाया था तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टीप रास्ता था, तो देखते हैं आते हैं वो लोग फिर साथ में निकलेंगे। 65 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है तो हो जाना चाहिए आराम से। और कुछ ऐसा व्यू है अभी यहाँ पे, यहीं पर खड़े हुए हैं, दुकानें हैं इधर। और सो गाइस ये देखो हमने अभी बाइक वाला रास्ता लिया है, और पहले भी बता रहा था मैं कि भाई रास्ता जो है बहुत ख़राब है, और ये रास्ता देख रहे हो भाई, ऐसी तो रोड है ये देखो, अलग एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे। बच गई है भाई, अरे बाप रे झटके लग रहे हैं एकदम खतरनाक खतरनाक। और ये रहा व्यू यहाँ से, यहाँ से देखो, और ये देखो भाई मोड़ देखो, ये फ़ोन में कैमरे में दिख रही है लेकिन ऐसे एकदम मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है भाई गाड़ी एकदम। तो भाई इसमें थोड़ी सी हालत भी ख़राब होती है लेकिन मज़ा भी आता है। अभी हालत ख़राब हो रही है, बट जब ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी ना तो घर पहुंच के ये चीज़ याद करके बहुत मज़ा आता है भाई। अगर हो पाएगा साबुत बन चीज में बहुत बेहतर, ऐसे ही होता है भाई हर ट्रिप में हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है। हम लोग को क्या मतलब मिलता ही होगा, आप लोग भी जानते होंगे, और इसी में मज़े आते हैं भाई। थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होना चाहिए, बट हाँ हम लोग काफ़ी संभल के चलाते हैं भाई गाड़ी आराम आराम से, और आप लोग भी संभल के ही चलाना अगर आ रहे हो। क्रेजी है भाई एकदम, अगर ये एकदम ही भाई
अगर बाइक चलानी नहीं आती है तो फिर दिक्कत है, आगे से देखो ट्रक भी आ रहा है इसी में। साइड में लगा लो भाई, खड़ी कर दो साइड में, यहाँ ज़्यादा जगह है। ये देखो भाई, भाई यहाँ का मोड़ देखो भाई, एकदम गाड़ी मोड़ने की जगह ही नहीं है एकदम। भाई के साइड कार वार से आओ तो और रोड नहीं है, कार वार से आओ तो और हालत खराब हो जाए, क्योंकि टर्न वर्न लेने में उसमें और दिक्कत होगी। रोड ऐसी हो कि फट जाए। अरे 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 भाई, आराम से चलाओ, पैर वैर लगा के चलाओ एकदम अच्छे से। तो गाइस हम लोग अभी बीच पे रुके हैं, एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी, सब लोग देख रहे हो, दो बंदे गए हुए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है, अभी नहीं बताऊंगा, पहले परमिशन लिखो। उसने सस्पेंस ही खत्म कर दिया। अरे वो तो हटा दूंगा, ये मैं एंड में डालूंगा जब उससे परमिशन ले लूंगा। ठीक है, तो अभी सुनसान रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। गाड़ी नहीं चला रहा वाली, उत्कर्ष को बोल रहे हैं वो सेंसिटिव गाड़ी चला ले, लेकिन वो सेंसिटिव गाड़ी नहीं चला रहा है। जाओ पे, अबे गाड़ी आ रही भाई, साइड करो। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली, पीछे से चांग लेके आ रहा है बाइक, तो बैठेंगे फिर निकलेंगे। कुछ लोग गए आगे और अभी भी उसी रास्ते पे है हम लोग, जो खतरनाक वाला रास्ता है। ये शायद गिर गए हैं, शायद गिर गए हैं। तो गाइस आ गए हो, अब मैं आगे बैठने के लिए, मतलब राइड करने के लिए, और अब यहाँ से 50 किलोमीटर बचा है, 50 या 55, तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों को, तो आई होप पहुंच जाए टाइम पे, ज़्यादा भी लेट ना हो। और अभी मेरे पीछे बैठा है उत्कर्ष और शशांक दूसरी बाइक चला रहा है। तो भाई वो रास्ता तो बहुत ही ख़राब था यार, वहाँ पे मतलब एक दो बार गिरते गिरते भी बचे, बाइक थोड़ी सी लटक गई थी मतलब नीचे गिर गई थी, बट ठीक है, किसी को वैसे ज़्यादा चोट वोट नहीं आई और सब संभल के ही चला रहे थे, बट वो रास्ता ही बहुत बेकार था। और इतनी ज़्यादा आदत भी नहीं है ऐसे रास्ते पे चलाने की, धीरे धीरे पड़ेगी, किस्मत ही ख़राब है भाई। मतलब इतने टाइम बाद, मतलब जब से व्लॉग चालू किया पहली बार एक ये प्रॉपर पहाड़ी ट्रिप हुई है और उसी में मेरा GoPro ख़राब हुआ। किस्मत ख़राब है भाई, पर कोई बात नहीं, ख़राब होगा तो फ़ोन से बनाएंगे और फिर इसको रिपेयर करवाएंगे, क्योंकि नया का तो नए लेने के तो भाई अभी जेब ढीली नहीं कर सकता मैं। बाकी GB की यार, मतलब शिमला 2GB रोड तो बहुत अच्छी है, बस आप ये बाइक वाले रूट मत लीजिएगा, 10-15 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा। अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह बहुत अच्छे से आती है आपको, तो प्लीज़ तो आप ले सकते हो, वरना प्लीज़ मत लेना। और ये 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा कार वाले रूट से ही आना ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपको, और रोड भी अच्छी है, देख ही ले रहे होंगे आप लोग वीडियो में, रोड भी ऐसी कोई ख़राब नहीं है कि आपको शॉर्टकट लेना पड़े, और बल्कि आप जल्दी ही पहुँचोगे। बीच में आपको ऑफ रोडिंग मिलेगी, उसमें आपको लेट ही होगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ले सकते हो, बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। बाकी हम लोग को पता नहीं था कि वो रूट ऐसा है इसलिए हम आए, वरना हम भी ना आते भाई, सही बताएं तो।
तो गाइस अभी आ गए थोड़ा सा नीचे, अब फिर शायद ऊपर चढ़ाई होगी। अराउंड 30 किलोमीटर अभी बचा हुआ है और होने ही वाला है बस अंधेरा। हम लोग पीछे रह गए हैं और व्यू देखो भाई यहाँ से, ये आई थिंक सतलज रिवर बह रही है। सनी ने बताया था, मतलब वो मैप में दिखा रहा था, मैंने तो मैप देखा ही नहीं अभी तक यहाँ का। खराब रास्ता आया, खराब रास्ता। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है इसलिए बीच बीच में खराब रास्ते, जेसीबी वगैरह खड़ी है। ये देखो पूरा ही ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है ये, और नीचे से रिवर बह रही है भाई। नीचे का व्यू बहुत अच्छा है। किधर चलना है भाई? इधर ना है क्या? पक्का? यही वाला है? आगे तो सही लग रहा है रास्ता वैसे। तो भाई वाटर क्रॉस कर रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग देखिए कितनी गहरी है। अरे भाई ठीक ठाक है, तब मिनी वाटर क्रॉसिंग है। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, मुझे तो लगा पूरा ही ख़राब है ये है। ओहो बीच बीच में भाई गुफाएं दिख रही बीच में। बीच बीच में दिख रहा है भाई, बढ़िया बढ़िया व्यू देखो यहाँ से भाई। अरे क्या बात है बे, ये बहुत सही लग रहा है यार। बहुत सही लग रहा है भाई। गाइस व्यू देखो यार, क्या जबरदस्त व्यू है यार यहाँ से। अरे मैं इसकी आँख ऊपर ही जाना है ना। भाई बहुत ही खतरनाक रोड है ये, खतरनाक रोड है भाई ये, बहुत ही खतरनाक रोड है। हो भी सकता है हाँ भाई, ये अभी बाइक वाला ही लगा है क्या? मैं बाइक वाला ही लगा है क्या? हैं? गलत तो नहीं जा रहे हम लोग? अबे भाई आएगी यार, किसी से पूछ लेते हैं भाई। एक रास्ता जीबी जीबी क्या बोल रहा है? आगे से राइट। अबे होना तो चाहिए यार। अरे अरे यार हालत खराब हो गई भाई। भाई ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा ही हो गई आज, ज्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गई आज तो। बहुत खतरनाक रास्ता है भाई ये, बहुत खतरनाक रास्ता है। कुछ ना कुछ होना तो चाहिए भाई, लेकिन कार भी यहीं से जा रही है यार। हैं? हाँ मोड़ना है
भाई पहुंच गए यार। पता ये मेन रास्ता है रोड वाला है? चल रहे भाई यार घुमाए इनको। जीबी जाना भी है? जीबी जीबी जाना जीबी। हाँ ये रोड की बाइक नहीं निकलेगा तो ऊपर बस पे। हाँ बस ऊपर की रोड की बात में ये जाता है जीबी? हाँ जीबी जाता है ना यार। बोल रही हूँ आपका बाइक निकलेगा तो बर्फ पड़ी है वहाँ पर। बर्फ पड़ी है? हाँ बर्फ पड़ी है बहुत। बाइक में दिक्कत होगी? सारा ये तो अपना ही होम स्टे बता रहा है। इसको निकलने दो भाई पहले। अभी दे देना भाई अभी। को ब्रेक दबा। अबे ये पीछे ना भाग। तो भाई ग्लव्स पहन लेते हैं यार। अच्छा हुआ है एक मेरा तो शांग के पास है। लाओ भाई दूसरा भी पहन ले। तुम पहने हो क्या? अबे हम तो अंदर हाथ डाल लेंगे ना हमें क्या दिक्कत है। गाड़ी क्यों चला रहे? आगे ही तो लगता है खाली सब तो ज्यादा। भाई हाथ ठंडे हो गए एकदम। जहाँ हम लोग यू टर्न नहीं लिए जहाँ वो वाटर पानी भरा था वहां से ना जाते अगर इधर से आते तो भी पहुंच जाते। अरे भाई अंधेरा हो गया इधर तो। लोकेशन आई? रे 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 भाई कीचड़ भरा हुआ है इधर तो। भाई अगर वो बोल रहा है बर्फ गिरी है अगर सही में गिरी हुई ना बहुत फटेगी बहुत ज्यादा। क्योंकि बाइक भी वैसी नहीं है कि बर्फ में चली जाए उस कंडीशन में नहीं है। है ना? अभी रोड में दिख तो नहीं रही भाई बर्फ। अभी रोड में नहीं दिख रही है। चल ही रहा है भाई ब्लॉग। ब्लॉग चल ही रहा है। कुछ बोलने को ही नहीं है भाई। मैं तो रोड में कंसंट्रेट कर रहा हूँ अभी। पहुंच तो जाएंगे यार बट डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा। बर्फ तो है यार इधर और अगर ब्लैक आइस जमी होगी रोड पे तो फिर हालत खराब हो जाएगी हम लोगों की चढ़ाने में बाइक। अगल बगल बर्फ ही बर्फ है तो बस मैं यही बना रहा हूँ कि रोड पे बर्फ ना हो वरना बहुत गंदा रपटेंगे हम लोग। फिसल तो रही है। इधर ही है ना भाई? नीचे देख रहे हो बर्फ? जा पाएंगे हम लोग? हैं किधर? कॉल करो यार उन लोगों को। उन लोगों को कॉल करो। कोई यहीं खड़ी कर दे रहे यार। भाई तुम जाओगे ना नीचे को? हाँ नीचे को देख लो उतर भी सकता है।
उतर ही सकता है, थोड़े में थोड़ा खराब है ना, तो पीछे से पकड़ते हुए जाना, एक बंदा बैठ के जाओ, एक पीछे पकड़ता रहियो, ठीक है, तब तो निकल जाएगा। फिर पार से नीचे तो खाली है, आधा कर किलोमीटर है अभी। तो भैया बस अंदर नीचे बर्फ पड़ी हुई है बहुत। आपने चाय कर लो? नहीं, चाय पियेंगे? चाय पी लिया जाए। हाँ चाय पिला दीजिए आप। सुनो शिवम को कॉल करो फिर। यही है यही है। अबे रुक जाओ, साइड में रुको, साइड में भाई। गाड़ी फिसली चल रही थी। हाँ, हाँ, नीचे बहुत बर्फ है शायद। हाँ आधा एक किलोमीटर अभी तक तो नहीं फिसली मेरी, थोड़ा बहुत फिसल रही थी मेरी तो। और वो शशांक लोग कहाँ है? उनको बोल दिया है। तो यही रुक रुक, अबे चल चलना तो पड़ेगा भाई, रुक नहीं सकते। चाय पी लो एक बार। नहीं चल तो लेंगे। कितना 13 किलोमीटर है यहाँ से? हाँ 12-13 किलोमीटर। चाय बोल दो? हाँ बोलो भाई, ठंडा लग रहा है। तो गाइस हम लोग अभी पहुंचे, कहाँ पहुंचे, क्या नाम है? जलोरी। जलोरी पास, ठीक है भैया। हाँ हम लोग आराम से चले जाएंगे, थैंक यू, ठीक है। तो भाई हालत खराब हो गई है, जलोरी पास पे है। यहाँ से हम लोग को नीचे जाना है। और रास्ता वही वाला है? नहीं यार, पूरा बर्फ वाला। नहीं भाई, तो भाई हालत खराब हो गई हम लोगों की अभी तो फिलहाल। तो देखते हैं कैसे जाएंगे। एक को उतर के ऐसे पकड़ के लेके जाना पड़ेगा बाइक। बाइक उधर खड़ी है, दिख नहीं रही अभी वैसे कैमरे में। तो थोड़ा बहुत अभी आग लगा के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हालत खराब हो चुकी है भाई, और पूरा एडवेंचर हो रहा है, पूरा एडवेंचर। अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। ठंडी हो रही है इसलिए पूरा पैक हो रखे हैं, उसमें भी ठंडी लग रही है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो गाइस हम लोग की राइड हो चुकी है फुल्ली एडवेंचरस, क्योंकि एक गाड़ी अपनी हो चुकी है पंक्चर। तो मैं तो हेलमेट नहीं उतारा भाई, ठंडी हो रही है। तो यहाँ पे पंप ऑर्गेनाइज अरेंज कराया हमारे हॉस्टल हमारे रूम वाले भैया ने। तो जा रहे हैं पंप लेने, पंप से हवा भरेंगे फिर चलेंगे भाई आगे। ये देखो बाइक और जंगल। एक तो ऑन नहीं हो रहा भाई, तुम उस पर गाड़ी उधर खींच रहे हो गए हो क्या? अच्छी गाड़ी स्टैंड पे लगी है उधर, बस वो करने हो कहा है कि सपोर्ट देने की। भर भी रही है? हाँ हाँ भर रही है। हाँ भर रही है भाई, काफी भर रही है। पक्का दो लोगों की गाड़ी, बाकी लोग को ले जाए। हाँ सही कह रहे हो, फिर गाड़ी कल बनेगी, एक गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। फाइनली पहुंच गए यार रूम पे। एक रूम है, इसमें डबल बेड और एक सिंगल बेड है। और भाई ये लोग भी आ गए हैं। कैसी रही भाई कैब की राइड? कैब की राइड बहुत अच्छी। अभी गर्म हो गया भाई तुम तो। और बाहर निकल के भाई यहाँ से ध्यान से सुनिए तो रिवर की आवाज़ आ रही होगी, आ रही है ना? नीचे रिवर है पूरी। और ये अपना है सेकंड रूम, यहाँ पे भी सेम दो बेड और एक सिंगल बेड। और ये अपना वॉशरूम होगा। काम हो गया बहुत ज़्यादा और कुछ खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए अभी तो। हालत ख़राब हो गई, मतलब 180 किलोमीटर था जो कि हम लोगों ने 12 घंटे में किया है। तो सोचा नहीं था भाई, रास्ते में बहुत कुछ हुआ, बाइक्स गिरी और किसी का फ़ोन टूट गया, किसी का कुछ हो गया, तो प्रॉब्लम्स आई काफ़ी सारी, जिससे लेट हो गया। और क्या हुआ अबे भाई? परमिशन ले ले पहले, मैं डाल रहा हूं। तो भाई ये देखो सनी का फोन तो एकदम ही 10,000 का नहीं भाई, 30,000 का। हां अगर बजट 10,000 का 30,000 का मोबाइल जो गेम से कह रहे हैं। तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं अभी तक तो, और देखते हैं बाकी। कॉटेज तो ठीक लग रहा है अभी। क्या हो गया भाई? फोन चला गया भाई उसका। तो गाइस आ गए अभी खाना वाना खा के, और वीडियो बनाना भाई मैं भूल ही गया था डिनर करते वक्त। तो बढ़िया सा कैफ़े है यहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने खाना खाया था, और कल दिखाऊंगा आप लोगों को कैफे अगर याद रहा तो। और अभी चल के सोते हैं, बेड वेड रेडी है, सब लोग आ रहे हैं अभी खाना वाना खा के। मैं पहले आ गया था तो सोते भाई, बहुत ज़्यादा थक गए। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में इसी चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ख्याल रखिए, मज़े करिए, बाय। मैं बताऊँगा क्या प्रॉब्लम हुई है अभी, नहीं बताऊंगा। पहले परमिशन लेनी हो गया भाई, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी लोगों से।
पर्स को गया मेरे दोस्त का, उसने सस्पेंस ही खत्म कर दिया। अरे वो तो हटा दूंगा ना मैं। अच्छा पर्स वाला? हाँ वो हटा, बोल लो भाई, वो हट जाता है। तो गाइस प्रीतुष का वॉलेट खो चुका है अभी और मिला भी नहीं। मैंने कहा था ना डॉक्यूमेंट निकलवा लेगा।